जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पते। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी, जो कि एप्लीकेबल हो रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से। हालांकि ई इनवॉइसिंग ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से जो लिमिट है एप्लीकेबिलिटी की वो रिड्यूस हो जाएगी और लिमिट हो जाएगी 50 करोड़ का टर्नओवर। जिन भी नोटिफाइड लोगों का ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर 2021 तक अगर 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो उनको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, एक्सेप्शन प्रोवाइडेड। देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले व्हाट इज ई इनवॉइसिंग। सो एज पर रूल 48 सब रूल 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, notified class of registered person have to prepare invoice by uploading a specific particular of invoices in form GSTINV01 on invoice registration portal and obtain invoice reference number। so यहाँ पर rule 48 sub rule 4 में क्या कहा है कि जो notified class of persons है, notified class of person मतलब वो लोग जिनका turnover during the financial year 17-18 onwards पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा है, वो लोग उन लोगों को एप्लीकेबल होगा। उनको क्या करना रहेगा, उनके जो टैक्स इनवॉइसेस रहेंगे उनको एक फॉर्म GSTINV01 में सारी डिटेल जो है वो सबमिट करनी रहेगी और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, एंड ऑफ द वीडियो आपको पोर्टल किस तरह से है, कैसे रजिस्टर करना है वो सब भी बता दूंगा, कहाँ से रजिस्टर करना है वैसा सब। वहां पर आपको इनवॉइस को रजिस्टर करना रहेगा और पर्टिकुलर हर एक इनवॉइस के लिए आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर लेना रहेगा। अब यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि ई इनवॉइसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको इनवॉइस जो है, जो टैक्स इनवॉइस आप बनाते हैं वो गवर्नमेंट के पोर्टल से बनाना और फिर बाद में देना है। आपको अपनी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो तो चालू रखनी ही है। ई इनवॉइसिंग जो है वो आपके इनवॉइस को रजिस्टर करवा के उनका एक रेफरेंस नंबर लेता है। मैंने ई इनवॉइसिंग के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जब ई इनवॉइसिंग सिर्फ इंट्रोड्यूस होने की बात हो रही थी कि किस तरह से फ्रॉड्स को पकड़े जाएंगे, क्या बेनिफिट होगा ई इनवॉइसिंग का, मैं चाहे तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो कि क्या और किस तरह से फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए इनवॉइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज ई इनवॉइसिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट सिस्टम। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ई इनवॉइसिंग जो है गवर्नमेंट के पोर्टल से इनवॉइस नहीं बनाना है तो फिर डिफरेंस क्या हो गया। सो रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव कंटिन्यू टू क्रिएट देयर जीएसटी इनवॉइस ऑन देयर ओन अकाउंटिंग बिलिंग और ईआरपी सिस्टम। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको अब तक जिस तरह से आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो वैसे इनवॉइस तो बनाना ही है। फिर दिस इनवॉइस नाउ विल बी रिपोर्टेड टू इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना है। ऑन रिपोर्टिंग आईआरपी रिटर्न द इनवॉइस इज अ यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, आफ्टर डिजिटली साइनिंग द इनवॉइस एंड एडिंग अ क्यूआर कोड देन द इनवॉइस कैन बी इश्यूड टू द रिसीवर अलोंग विद क्यूआर कोड। अ जीएसटी इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विद अ वैलिड IRN। So, जैसे ही आप वो आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप रजिस्टर करोगे इनवॉइस को, एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, क्यूआर कोड जनरेट होगा और ये क्यूआर कोड और यूनिक रेफरेंस नंबर IRN नंबर के साथ में आपको जीएसटी इनवॉइस इश्यू करना रहेगा, तभी वो जीएसटी इनवॉइस जो है वो वैलिड रहेगा। सो इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट पोर्टल रहेगा, जैसे जीएसटी का पोर्टल है वैसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल रहेगा। अगला है, इज एन इनवॉइस क्रेडिट नॉट डेबिट नॉट वैलिड विदाउट IRN। सो रूल 48 सब रूल 5, एनी इनवॉइस इश्यूड बाय अ नोटिफाइड पर्सन इन एनी मैनर अदर देन मैनर स्पेसिफाइड इन रूल 48 सब रूल 4 द सेम शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवॉइस। तो 48 सब रूल 4 जो है वो क्या कहता है कि आपको इनवॉइस जो है वो इसी तरह से आपको इश्यू करना है। अगर उसके अलावा अगर आप इश्यू करते हो IRN के बिना इश्यू करते हो तो जो इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा
और आपको पेनल्टी लग सकती है। अगला है, फॉर विच बिजनेस ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी, कौन से बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। सो यहाँ पर ये जो लिमिट है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, जैसे फिर से आपको बता देता हूँ, फॉर रजिस्टर्ड पर्सन कुछ एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पान, देखिए यहाँ पे पान के बेसिस पर देखना है, ना कि सेपरेट जीएसटीएन के बेसिस। इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स इज मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। लिमिट क्या है, पहले 500 करोड़ थी, फिर 100 करोड़ की, अब 50 करोड़ कर दी, और फ्यूचर में इससे भी अगर कम हो जाए तो हमें सरप्राइज होना नहीं चाहिए। सो अगर आपका 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, तो आपको इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ई इनवॉइसिंग को अप्लाई नहीं करते हो, IRN जनरेट नहीं करते हो, तो आपके जो बायर्स है उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि विदाउट IRN ई इनवॉइस जो होगा, टैक्स इनवॉइस जो होगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो अगर आप किसी बड़े जो पर्सन है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, उनसे अगर परचेस करते हो, तो आपको एक बार ये ध्यान में ले लेना चाहिए कि सामने वाले पर्सन ने आपको विथ IRN इनवॉइस दिया है या नहीं दिया, अदरवाइज आपको भी क्रेडिट लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगली चीज है, व्हाट डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर इनवॉइसिंग। तो इनवॉइस को हम जनरली सिर्फ टैक्स इनवॉइस ही समझते हैं, बट इसके अलावा यहाँ पर इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये भी कवर होंगे। अब व्हेन इश्यूड बाय अ नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन, टैक्स पेयर टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B और फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स आर करंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइसेस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, B2C के केस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, बट गवर्नमेंट इसे फ्यूचर में लागू करने वाली, ऐसा गवर्नमेंट का इंटेंशन जरूर है। दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट आर कवर्ड फॉर ईज ऑफ रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम इज रिफर्ड एज ई इनवॉइसिंग। यहाँ पे एक सिस्टम को नाम तो देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ई इनवॉइसिंग नाम दे के रखा है, बाकी यहाँ पे इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब कुछ कवर होगा। व्हाट सप्लाइज आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिस, कौन से सप्लाइज कवर्ड होंगे। सबसे पहला B2B, फिर है सप्लाइज टू SEZ विथ और विदाउट पेमेंट, अगर आप सेल्स में सप्लाई कर रहे हो तो वो भी कवर होगा। एक्सपोर्ट विथ और विदाउट पेमेंट, डीम एक्सपोर्ट बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्सपेयर्स आर करंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिंग। मतलब B2C को छोड़ के आपके जो भी सप्लाईज है वो कवर हो जाएंगे B2B, सेल्स, एक्सपोर्ट और डीम एक्सपोर्ट के। अब B2C कवर होगा या नहीं होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि B2C जो है वो कवर नहीं होगा, वो नेक्स्ट फेज में गवर्नमेंट उसकी तैयारी जरूर करेगी। अगला है, इज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर नील रेटेड और होली एग्जाम सप्लाईज। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आना बहुत जरूरी था कि जो नील रेटेड सप्लाई या होली एग्जाम सप्लाईज है उस केस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो आंसर इज नो, इन दिस केसेस अ बिल ऑफ सप्लाईज इश्यूड एंड नॉट अ टैक्स इनवॉइस, वहां पे टैक्स इनवॉइस नहीं दिया जाता है, बिल ऑफ सप्लाई दिया जाता है, इसलिए वो कवर नहीं होगा। अगला है, वेदर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज बाय नोटिफाइड पर्सन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर सप्लाई करते हैं तो एप्लीकेबल होगा। सो इसका आंसर है, ई इनवॉइसिंग बाय नोटिफाइड पर्सन मैंडेटेड फॉर सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ टू रजिस्टर्ड पर्सन। सो यहाँ पर गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं या किसी और को सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा इनवॉइस को इश्यू करना। फिर अगला है, विच एंटिटीज सेक्टर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग मैंडेट। तो ई इनवॉइसिंग में से जो लिमिट दी गई है, हो सकता है किसी को एग्जेम्प्ट किया गया हो, तो एग्जेम्प्शन किसे दिया गया है। सबसे पहला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, जो SEZ यूनिट है उसे एग्जेम्प्शन दिया गया है। फिर है इंश्योरर और अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो बैंकिंग और NBFCs जो है उन सबको और इंश्योरेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स
बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, ऑब्वियसली यहाँ पे इनको देना ही चाहिए था, सो वो दे दिया है. फिर सप्लायर्स ऑफ अ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस, तो इनको भी दिया हुआ है. फिर है सप्लायर ऑफ अ सर्विस बाय ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन. सो यहाँ पर इन लोगों को जो है एग्जेम्पशन दिया गया है ई इनवॉइसिंग में से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्क में इनवॉइसिस बनने के चांसेस हो सकते हैं इसलिए. फिर है इज ई इनवॉइसिंग वॉलेंटरीली, दैट इज कैन एंटिटी विथ एग्रीगेट टर्नओवर बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट आल्सो रिपोर्ट इनवॉइसिस टू आईआरपी इफ दे विश टू डू सो. सो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम वॉलेंटरी अगर इसमें इन्वॉल्व होना चाहें तो इन्वॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं. सो आंसर इज नो. प्रेजेंटली ओनली द नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन विल बी अलाउड टू इनेबल द रिपोर्टिंग इनवॉइसिस टू आईआरपी. अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि पोर्टल किस तरह से रहेगा, आपको क्या कहाँ पर जाना है और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है. देखिए invoicing1trial.nic.in करके एक वेबसाइट है, ये कुछ इस तरह से पोर्टल रहेगा. यहाँ पर पोर्टल में लॉगिन करना है, फिर ये रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, ई इनवॉइसिंग इनेबल दिया है, यहाँ से जाकर आप लॉगिन कर सकते हो. फिर टैक्स पेयर का GST सर्च कर सकते हो, वेरीफाई साइन इनवॉइस जो है आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि ऑलरेडी ये एक्चुअल है या नहीं है. फिर बहुत सारे जैसे पिन टू डिस्टेंस है, GST जनरेटिंग IRNs, कौन से GST नंबर जो IRN जनरेट करते हैं इसकी भी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो. फिर नोटिफिकेशन जो इनवॉइसिंग रिलेटेड इश्यू होंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. अब ये देखिए एक पूरा अलग पोर्टल बनाया हुआ है स्पेशली फॉर ई इनवॉइसिंग के लिए. अब वैसे कई सारे पोर्टल्स रहेंगे क्योंकि मुझे लगता है एक पोर्टल से काम नहीं चलेगा. सो आपको वो पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना रहेगा और यहाँ से आपको ई इनवॉइसिंग करनी रहेगी. सो एक सिंपल चीज़ हो गई, आपको आपके इनवॉइस जनरेट करने हैं और उन सबको यहाँ पर रजिस्टर करना है. इसके लिए गवर्नमेंट ने बल्क जनरेशन के लिए भी काफ़ी सारी जो यूटिलिटीज़ है वो भी दे के रखी है, आप उस तरह से भी कर सकते हो. लेकिन जैसा हम जानते हैं कि सिर्फ यूटिलिटी से काम करने से हमारा काम कई बार स्लो भी हो सकता है, इसीलिए एक जो क्लियर टैक्स है वो आपको बहुत अच्छा जो है सॉफ्टवेयर है और आपको बहुत अच्छी सर्विस इस रिगार्डिंग जो है वो दे सकता है. यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इजी टू कनेक्ट है क्लियर टैक्स, फिर फास्ट है, स्केलेबल है, रिलायबल है. सिक्योरिटी के मामले में देखो तो एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आपको सिक्योरिटी की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी. रेडी टू यूज है और सबसे अच्छी चीज़ है ये अफोर्डेबल भी है. सो अगर आप इनवॉइसिंग क्लियर टैक्स के थ्रू यूज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो. उसके लिए अगर आपको डेमो लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्लियर टैक्स का जो डेमो की लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से क्लियर टैक्स का डेमो भी ले सकते हो. अगर आपको परचेस करना है तो मैं उसके भी अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी क्लियर टैक्स को परचेस कर सकते हो, वहां पे मैंने रेफरल लिंक दे के रखी हुई है. सो मेरे हिसाब से क्लियर टैक्स इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, आप उसे एटलीस्ट एक बार जो है एटलीस्ट डेमो के लिए तो भी ट्राई कर सकते हो. सो दोस्तों ये था आज का अपडेट, मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.